हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली काफी दिन के बाद दीदी के यहाँ। जब हम आए थे तो दीदी के यहाँ काफी दिन रुके थे, उसके बाद हम जा ही नहीं पाए। और आज हम जा रहे हैं दीदी से मिलने, स्पेशली मिलने और दीदी को कुछ देना। और दीदी का घर पड़ता है साकी नाका में, तो चलो फिर चलते हैं। हम आने के बाद, पिछली बार जब हम दीदी के यहाँ काफी दिन तक थे, तो आने के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि साकी नाका में आप हैं, आ जाइए, आपसे मिलना है मिलना है। मतलब वो बोल रहे थे कि हम यहाँ पे आ रहे हैं साकी नाका सफेद पुलिया, तो वही हम वहाँ जा रहे हैं आज। तो आपको मिलना है तो आ जाओ, ठीक है, चलो। ये देखो, आज हमारे साथ ये भी जा रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, और हम पिंक और ब्लू। एक चीज कॉमन है दोनों लोगों में, वो है चश्मा। तो जी, हम पहुंच चुके हैं अंधेरी मेट्रो स्टेशन, और हमको जाना है, सीधा जाना है साकी नाका। भूल गए, कितनी बार गए थे, मेरे को पता था इधर से ही जाना है। मेट्रो आ गई, चलो चलो। देख रहे हो, ये मुंबई की मेट्रो है, यहाँ पे इतना भीड़। एलआईसी वाले कितना एडवर्टीजमेंट करते हैं, एलआईसी वाले कितना एडवर्टीजमेंट। खाली भी हो गई। तो भाई, मेट्रो से हम आ गए हैं नीचे, और अब बगल में ही यहाँ पे दीदी का घर है। लेकिन एक चीज दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे पहाड़ कितने मस्त लग रहे हैं ना, एकदम मस्त अच्छे लग रहे हैं। और थोड़ी दूर पे है यहाँ से पैदल ऑटो का लेते हैं ना, ऑटो। चलिए, तो भाई दीदी के यहाँ पहुँच के, और हमने दिखाया ही नहीं हम कौन सी दीदी के यहाँ आए। तो ये देखो, ये रही हमारी दीदी। ये क्या होता है? पोस्ट होता है। ये पुराना देवान, ये आज हम दीदी को लेके आए कॉफी विद कंचन। एक कॉफी विद करण आता है, कॉफी विद कंचन है ना देवांश, क्या है बोलो? कंचन ऐसा बोलो। दीदी के यहाँ आए, काफी देर तक बैठे, दीदी चाय नाश्ता कराई, हम लोग बैठे थे बात कर रहे थे, फिर हम लोग बाहर आए। और अभी घर पे गेस्ट ज़्यादा हो गए, इसलिए हमने घर पे व्लॉग नहीं किया। अभी वापस चल के अपनी दुकान दिखाएंगे, जिसमें हम बड़ा पाव बेचते हैं। ये देखो, हम यहाँ आए हैं कॉफ़ी। अरे लिखा नहीं था, किस्मत करो। चलो आगे, कब से आए हम लोग। इतनी तारीफ कर दी है कॉफी की, कॉफी खत्म हो गई। भाई ये देखो, हम यहाँ पे आए थे और इन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगाया था कि ये क्लोज है, आगे वाले में। तो भाई हम लोग जा रहे हैं दूसरे में, अंदर काम चल रहा है, इन्होंने बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं लगाया कि बंद है। देखते हैं कहाँ जाते हैं। हाँ तो चलिए ना आगे, फिर कहाँ जा रहे हैं। दीदी जौन पिला है सब पी ले। देखो हम लोग चले जा रहे हैं, अब कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, इधर सब बंद है। तो भाई चलते चलते हम लोग कहाँ पहुँच गए ये तो पता नहीं है, थोड़ा सा और चलेंगे तो पहुँच जाएंगे है ना दीदी। ये देखो, कॉफ़ी छोड़ के फालूदा में आ गए हैं। कॉफ़ी होता तो पी लेते, अभी हमको ठंडा बहुत दिक्कत हो रही है खाने का, ऐसे हम खा लेते हैं, आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। फालूदा खा रही और ये आइसक्रीम खा रहा, और वो जब वीडियो देखेगी तो कहेगी मम्मी अकेले अकेले खाई। ये देखो भाई, दीदी का ये फालूदा, हमारी आइसक्रीम ये। हम लोग जिधर से जा रहे हैं इधर बहुत सारी कंपनियां हैं, अंदर अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, सब दोनों तरफ खट 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 आवाज आ रहा है। ये देखो लग गया था ना, भूल रहे ये हमने लिया 20 रुपए का लाई चना, और यहाँ कुछ भी लो उसके ऊपर ये सेव डालना कंपलसरी होता है। चाहे पानी पूरी खाओ, चाहे भेल पूरी खाओ, चाहे कुछ भी। वो देखो भाई, ये देखो एयरपोर्ट के जस्ट बगल में है। ये देखो, ये है हमारे भैया भाभी, हमारे घर पे खाना खा रहे हैं। और देखो मैं इधर बैठी हूँ।
तो भाई रात के कितने बज रहे हैं तो हमको नहीं पता है, दीदी के यहाँ से निकल गए, अब हम लोग जा रहे हैं जुहू चौपाटी। ये देखो पूरा खोद दिए हैं रोड में। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं जुहू बीच पे, और ये देखो भाई क्या बताएं, इतनी ठंडी लग रही है कि हम क्या बताएं, रियलिटी ये है, लेकिन फैशन में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। बात ये है कि हमको पता नहीं था, नहीं जैकेट वैकेट रजाई वजाई लेके आते साथ में, और यहाँ पे बैठ के आधे घंटे तक रजाई ओढ़ के बैठ के समुद्र की लहर देखते। भाई बहुत तेज ठंडी लग रही है हमको, लेकिन हाँ एक चीज अच्छा लग रहा है, इधर शादी हो रही बस वही देख के। भाई आज है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन भीड़ नहीं है। बालू को निकाल के जान में खुद जाती है। अच्छा ये देखो पूरा बालू बालू है, पैर देखो, और इधर भी अभी भीड़ नहीं है, इधर भी तो उधर तो है दूर दूर तक, लेकिन पास में उतना नहीं है। कल संडे रहेगा, संडे वाले दिन आप यहाँ पैर नहीं रख सकते हो। और यहाँ पे स्वीट कैंडी, चाय, कॉफी, और वहाँ पे पूरा स्ट्रीट फूड लगा है। पहले यहाँ पर भी ठेले लगते थे, पानी पूरी और वो क्या नारियल पानी, बहुत सारी चीजें, बट अब नहीं रहता। लेकिन भुट्टे वाले कई दिख रहे हैं, वो देखो उधर है, उधर है सब। ये देखो यहाँ फोटोग्राफर वाले पोज बता रहे हैं, भैया हम लोग खींच दो एक थी फोटो। ये देखो इनका राजमहल बन रहा है छोटू का। ये देखो ये देखो बच्चे ऐसे ही मस्ती करते हैं। यहाँ पे जो वहाँ पे स्ट्रीट फूड वाले हैं ना, सारे इधर चटाई बिछा देते, फिर आप आओ बैठो, वो आएंगे ऑर्डर लेने, आपको जो खाना है ऑर्डर दो, खाओ जा, पाव भाजी खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ आपको ला के देंगे, खाओ मस्त इंजॉय करो फिर चले जाओ। हाँ ये 30-30 रुपए का देते हैं चटाई। तो अभी हम वापस निकल रहे हैं, और हाँ दिन में अगर आप आओगे ना तो यहाँ बोटिंग कर सकते हो। देखो वहाँ पे बहुत सारी अंदर बोट है, तो यहाँ पे आप दिन में समुद्र के अंदर जाके आनंद ले सकते हो। हाँ थोड़ा अंदर ले जाते हैं, इससे अच्छा हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एलिफेंटा जाओ, 200 रुपए मस्त घूम के आ जाओ, 2 घंटे मतलब 2 घंटे आना 2 घंटे जाना, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, वो मस्त राइड हो जाता है ना फेरी में बैठ के, मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है एकदम से। हाँ अलीबाग भी जा सकते हो। समय था फ्लाइट पकड़ के हम लोग आए थे यहाँ पे, मीटिंग किए थे, उसके बाद चले गए थे, मतलब घूमने के लिए फ्लाइट पकड़ के आए थे, और 2-3 दिन घूमे चले गए, अब रहते इधर ही। हाँ सही बात है, सही बात है, एक टाइम था सिर्फ घूमने के लिए फ्लाइट से आए थे, घूमे वोटिंग किए, पापा को भी वंश को भी सब लोग आए थे, घूम घूम के चले गए थे, और आज हम यही रहते हैं मुंबई में। तो अब वो दिन बहुत दूर नहीं जब पूरी फैमिली को लेके आएंगे घुमाने के लिए, बहुत जल्दी फैमिली वाले इतना मानते नहीं क्योंकि उनको जाना आने में बहुत दिक्कत होता है। एक्चुअली मैं मम्मी गाड़ी में बैठे हैं या फ्लाइट से आएंगे उसमें भी दिक्कत, इसीलिए थोड़ा सा पहले वो बढ़ जाए अंदर से, मतलब अंदर से हिम्मत उनकी खुद की बननी चाहिए, उसके बाद तब फिर ले कर आएंगे। अरे ये देखो सिल्वर सिल्वर मैन, तो जी रात के बज गए हैं 12 और हम आ चुके हैं, लेकिन अभी हम घर नहीं गए, अभी हम वहाँ पे हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, और दिखाते हैं। ये देखो कोई इतना तेज से चाबी या फिर चक्का से पता नहीं किससे किया, देखो यहाँ पे ये पूरा स्क्रैच है इतना भयंकर कि पूरा पेंट ही निकल गया यहाँ से पूरा यहाँ तक, और ये ऊपर से ये भी निशान बना हुआ है, ये किसी चीज का है, ये उधर दिखाओ ना ये, और ये देखो मिडिल फिंगर, ये देखो ये सब मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं, गाली गलौज लिख रहे हैं, ये देखो मतलब अच्छी सोसाइटी में रहने का मतलब ये होता है कि लोग गाली दें, पूरा लंबा मार दिया ना ये जानबूझ के किया गया है, और बड़ा नुकसान कर दिया, क्या करोगे अब, दूर से दिख रहा है, बहुत दूर से दिख ही रहा है, लंबा स्क्रैच मारा है, कितना जलते हैं लोग यहाँ के ना, मतलब यूपी के हैं, यूपी के हम भी हैं, फिर भी देख के जलते हैं, पता नहीं किस चीज़ से जलते हैं, इतना दुश्मनी निकालते हैं, अब क्या बताएं, हमने कभी भी कोई चीज़ शेयर नहीं करी, लेकिन भाई अच्छी सोसाइटी में रहने का ये भी डिसएडवांटेज होता है कि लोग बहुत जलन भरे रखते हैं, हम जहाँ से रहते हैं यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो जलते हैं देख देख के, पता नहीं किस लिए जलन होती है लोगों को। बेटा कभी दिख मत जाइयो, अगर चीज़ दिख जाओगे ना मेरे को स्क्रैच मारते हो, देखिए कैमरा में चालू करा के अगर देख लिया ना, भगवान कसम बोल रहा हूँ फाड़ तो फेंक दूंगा मैं तुमको, हमको लग रहा है कि मुझे कौन मारा स्क्रैच, हमको भी लग रहा है वही है बेटा, बस शक है खाली, अगर सच में अगर पता चल गया ना मेरे को
क्योंकि अभी हमने इतनी गलतियां माफ कर दी है। हाँ, तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी। हमारे पास सारे प्रूफ अभी भी रखे हैं, हमने कुछ हटाया नहीं है। सारी खेकड़ी निकल जाएगी एक ही बार में। तो भाई आ चुके हैं घर और क्या बताएं, मूड इतना खराब ही है। क्या हुआ, हमने आपको नीचे दिखाई दिया है, क्या बताएं। फिलहाल अभी चलते हैं, घर पहुंचे हैं, थोड़े बहुत काम वाम करने हैं, उसके बाद सोना है, सुबह उठना भी है। क्या किया जाए यार, जिंदगी में इतना टेंशन। लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे की खुशी से परेशान रहते हैं, इतना देख के जलते हैं। सोचो आप, अगर सोचो कि आप सीधे हो, आप रोड पे जा रहे हो, तो जानबूझ के लोग आपसे आके टकरा के आपसे लड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी गलती नहीं रहेगी फिर भी।